अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं अवतार सिंह जंटी मान। असी इस वेले खड़े हाँ दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे ते, जिथे कि किसान जथेबंदियों वालों आर्डीनेंस नूं लैके केंद्र सरकार विरोध नैशनल हाईवे जाम किया होया। साडे नाल इस वेले किसान जथेबंदियों के आगू नुमाइंदे मौजूद ने, असी उन्हां नाल गल करांगे की कहना चाहुंदे ने इस आर्डीनेंस बारे ते जिहड़ा इन्हां ने नैशनल हाईवे जाम किया। साडे नाल एसोसीएशन दे आरडी एसोसीएशन दे प्रधान हरबंस सिंह रोसा जी मौजूद ने, असी उन्हां नाल गल करांगे। हरबंस सिंह जी स्वागत है तुहाडा। अज दा इकट्ठ है किसान यूनियन झंडे थले इकट्ठ है, सारे अज सारा भारत बंद है, उहदे बिहावती अज जिहड़ा पंजाब है वह चक्का जाम किया गया किसानों वालों। एक जिहड़ा चक किया गया बंद उहदे हक दे विच पंजाब दा आड़तिया, पंजाब दा मुनीम, पंजाब दा मजदूर उन्हें नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ा है, क्योंकि साडा किसानां दे नाल 100 साल तो संबंध है, साडा अपना 9 मास दा रिश्ता है। इस करके असीं मैं मोदी सरकार नूं बेनती करना चाहुंदा कि मोदी साहब एक किहड़े काले कानून तुसीं धक्के नाल किसानां दे थोपे ने, ये वापस लै लो, ये कोई चंगी गल नहीं, इन्नी जिद नहीं करी दी होंदी। किसानां नूं बुलाओ, बुला के उहनां नाल बैठ के टेबल टाक करके ये मसले हल करो, तां कि जो साडा पंजाब दा ते भारत दा जिहड़ा माहौल है वह ठीक हो सके। मैं दोबारे फिर एक बारी ये बेनती करना चाहुंदा मोदी साहब, ये पंजाब है, तुसीं पंजाबियां नाल पंगा ना लाओ, इन्होंने तो बड़े बड़े मस्से रगड़ वर्ग नहीं छे, तुम तो की चीज हो। मैं फिर दोबारे कहना भी ये तुम्हें अकाली को वापस लै लो, नहीं तो फिर असी 26 से 27 तरीक न सारा हिंदुस्तान दिल्ली पहुँच रहा है, दिल्ली पहुँच के थोड़ा घराओ करा तो फिर जो उधर निकल गए वो माड़े निकल गए। जिमें हम गल करिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पूरी टीम के MLA नाल लैके दिल्ली पहुंचे ने, राष्ट्रपति ने मुलाकात का टाइम लिया, उन्होंने नहीं मिले है, उन्होंने धरना लाया, वो बारे की कहना चाहते? ये भी बहुत माड़ी गल है, जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र ढांचा है, तो जे कोई मुख्यमंत्री किसी स्टेट का मिलने वास्ते जाता है, सारे टोटल अपना MLA साहब MP जाते हैं नाल पंजाब के, तो उन्होंने टाइम देना चाहिए। ये भी एक धक्की वाली गल है, अहमद साहब तो पंजाबी टिकट कर लगे मोदी साहब, ये माड़ी गल्ला ने। जो मैं फिर कहना चाहना मोदी साहब, तुम सारे भारत के किसान बुलाओ, किसान यूनियन बुला के मैंबर बुला के उन्होंने फैसला करके उन्होंने गल में बखा दो, नहीं ये जरा काम है बधूगा घटना नहीं। साडे नाल किसान यूनियन के आगू मौजूद ने, असी उन्हां नाल भी गल करांगे जिहड़े कि पिछले 35 दिनों तो खन्ना रेलवे स्टेशन के धरने से बैठे हुए ने। हाँ जी रजिंदर जी की कहना चाहते हो तुसीं अज्ज दे धरने बारे? मैं रजिंदर सिंह बैनीपाल सूबा प्रधान भारतीय किसान यूनियन, अज असी आल इंडिया किसान जथेबंदियों वालों कॉल आ भारत बंद की चक्का जाम की, खन्ने GT रोड के उत्ते असी चक्का जाम करया होया, और असी ये गल दसनी चाहते हाँ क्योंकि मोदी साहब ने 3 काले कानून साढ़े ते बनाए ने, वो कानूना राही अदानी अबानी साड़ियां जमीना देनिया चाहते ने। असी मोदी साहब ने एक गल दसनी चाहते हाँ, मोदी साहब तुसी पंजाब नू दबा रहे हो, साड़ियां जथेबंदियां ने गड्डियां भी खोलतियां सी, तुसी कह रहे हो असी कोला नहीं देना, खाद नहीं देना, असी थोड़े सारे बंद कर देंगे जो भी फंड मिलते हैं। मोदी साहब भावें साढ़े फंड बंद कर दो, भावें रेलगड्डिया 2 महीने ना चलाओ, सानू कोई दुख की गल नहीं, जिन्ना चिर असी जितते नहीं असी ये कानून वापस नहीं करा सकते, उन्ना चिर इस तरह लड़ाई लड़ांगे। जिदा जिदा जथेबंदियां सानू मतलब देनगियां प्रोग्राम, उस प्रोग्राम नू सिरे चढ़ावांगे। 26 और 27 नू असी दिल्ली का दुध बंद करांगे, दिल्ली नू घेरांगे, भावें सानू 15 दिन लग जाण, कानून वापस करा के मुड़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। साढ़े नाल एक होर भी यूनियन के आगू मौजूद ने, असी उन्हां नाल भी गल करांगे। अमृत जी की कहना चाहते तुसीं जिहड़ा केंद्र वल्लों आर्डीनेंस ठप्पा, इह जिहड़ा अज दा प्रोटेस्ट चल रहा ना, इह जिहड़ा पिछों लंबा अंदोलन चलिया हुंदा उसे दा हिस्सा है, क्योंकि सरकारां टस तो मस नहीं हो रही, इह जो हुकमरान दिल्ली दे ने काले कानून लागू करे ने किसानां ते, किसान भी इन्हां नूं वापस कराउण लई विजेत ने, छेती तो छेती सुनवाई हो जाए, नहीं तो दिल्ली की डेट रखी है, दिल्ली भावें वोट करनी पवे किसानां नूं, भावें संसद का घराओ करना पवे, लेकिन जथेबंदियां विजेत ने इस गल ते कि जो ये काले कानून ठोके गए ने इन्हां नूं स्टेट च लागू नहीं होण देणगे। एक जिहड़ा
पराली नूं मुद्दे नूं साड़न नूं लै के एक हुक्म जारी हुए ने भी एक करोड़ रुपया जुर्माना 5 साल की सजा उसके बारे की कहना चाहते हो तुहाडी? अंदोलन की बखलाहट है जो सेंटर सरकार घबराई हुई है, ये उस दा नतीजा जो आवा तवा बोल रहे हैं। जे किसान को करोड़ रुपया होंदा तो खेतों च क्यों रुलदा? इन्हें मैं अपने एसी ला के बहिंदा ना, ये कोई मुद्दा कोई इशू नहीं है, इन्हें अपने बखेड़े खड़े करे ने। एक अज केंद्रीय मंत्री का बयान आया, वो कहना भी असी तो जिहड़ियां ट्रेनां चलाउण नूं तैयार हाँ, भी जिहड़ी पंजाब सरकार उह जिम्मेवारी लवे। जिम्मेवारी किवें लैण? जिम्मेवारी देण वाले नूं पता नहीं सी, दिल्ली गए सी वो कहिंदे उत्थों आवाज आई राजघाट ते 12 बजे गए, असी कहिंदे धरना देना। और किसी सियाने ने समझाया जदों भी राजघाट तो शमशान घाट का नाम है, जे शमशान घाटा से बैठ के हल हुंदा तो किसान रेलों दी पटड़ियों से क्यों मरदे? अज बाजार के जोड़े पुलों से क्यों दरिया बिछा के बहिंदे? शमशान घाट का पिंडा ही 2-2 ने, असी भी उत्थे बह के सार लेंदे। एक कमल कुटिया जा रहा जां किसानी नाल कह लो अपनियां वोटां कायम कर ली, खिलवाड़ हो रहा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂਟੂ ਧੂਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂਟੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ? ਕਿਸਾਨੀ ਮਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੱਕ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤਨਦਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਧੜਕਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਪੇਪਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀਮਾਨ, ਅਜੀਤ ਪੇਪਰ ਟੀਵੀ, ਖੰਨਾ।